अपने क्षेत्र में अग्रणी महिलाओं को आज विमेन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें भारत एक्सप्रेस भी मीडिया पार्टनर के तौर पर शामिल रहा। हमारे साथ इस समय मीडिया उपेंद्र राय जी हैं। सर, सबसे पहले तो वो महिलाएं जो लगातार अपनी हर जिम्मेदारी को निभाते हुए और किसी एक क्षेत्र में अपनी पहचान बनाती हैं, क्या उन महिलाओं के लिए संघर्ष होता है, एक पुरुष के तौर पर आप सोचते हैं? देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि पुरुष सत्तात्मक समाज महिलाओं के उदार व्यवहार का परिणाम है। ये दुनिया महिलाओं की है जिसमें पुरुष ने घुसपैठ बना के अपनी सत्ता बना ली। मैं ये हमेशा कहता हूं, और ये इसलिए कहता हूं कि जिसमें सृजन करने की ताकत होती है वही बड़ा होता है, और सृजन जो है महिलाओं के द्वारा, माताओं के द्वारा ही किया जाता है। और जो ये बहस चलती रहती है कि महिला आगे कि पुरुष आगे, पहले अंडा आया कि बच्चा आया, मैं इसको मानता हूं कि न कोई आगे है न कोई पीछे है, दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं। जो अंडा है वो बच्चे का एक सिरा है, और जो बच्चा है उसका अंडा एक सिरा है, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही बातें हैं। आज जिस तरीके से जूरी ने इतने अच्छे कैंडिडेट्स को, अचीवर्स को चुना, वो देख के बहुत अच्छा लगा और मैं इसका हिस्सा बना, ये और ही ज्यादा अच्छा लगा। इसी के साथ अगर हम देखते हैं कि महिलाओं को, जो जो महिलाएं यहाँ आई अपने क्षेत्र में है, लेकिन कुछ ग्रामीण महिलाएं भी ऐसी हैं या कुछ ऐसे पिछड़े वर्ग से ऐसी महिलाएं भी आती हैं, उनको भी यहाँ पर कईयों को अवार्ड दिया गया, तो क्या लगता है कि उन महिलाओं को और ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से या पिछड़े वर्गों से जो है वो महिलाएं और ज्यादा आ गया? देखिए, मेरा ये मानना है कि प्रोत्साहन या इंसेंटिव या मोटिवेशन देने का मतलब एक ही होता है कि कहीं ना कहीं कोई डिफिशियंसी है जिसको पूरा करने की जरूरत है। मेरा तो ये मानना है कि एक वो दिन आना चाहिए जिस दिन कोई चीज को इंसेंटिवाइज करने की जरूरत ना हो, महिलाओं को पुरस्कार देने की जरूरत ना हो और उसको भी पुरस्कार देने की जरूरत ना हो। ऐसी दुनिया हो जहां पे दोनों एक दूसरे के महत्व को समझें और दोनों एक दूसरे को पूरी आजादी दें। जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन मैं मानूंगा कि दोनों अपने अपने क्षेत्र में, जो कहा जाता है कि आदमी आता है अपनी दुनिया में अपनी आत्मा को पूर्ण करने के लिए, अपने को पूर्ण करने के लिए, लेकिन वो कर नहीं पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि तमाम तरह के उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ते हैं, जो समाज बनता है, निर्मित होता है, और जो निर्मित होता है बनता है वो अच्छा नहीं होता, वो बुरा भी होता है। तो कहीं ना कहीं हम तमाम चीजों में उलझ के रह जाते हैं, हम पूर्ण नहीं हो पाते। तो मुझे लगता है कि औरत जिस दिन अपनी गरिमा को पूर्ण होगी, पुरुष जिस दिन अपनी गरिमा को पूर्ण होगा, उस दिन ये जितने विमेन चाइल्ड डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट जो इंसेंटिवाइज करने के लिए बने हैं, मोटिवेट करने के लिए बने, उनको सपोर्ट करने के लिए बने, अपने आप खत्म हो जाएंगे। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन ये प्रक्रिया है, होगा, धीरे धीरे होगा, वक्त लगता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो सब अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाएं और एक दूसरे को सम्मान दें। बिल्कुल, और वो करें जिससे उनको खुशी मिलती है, आह्लाद मिलता है, जिससे उनकी आत्मा पूरी होती है, जिससे उनका पूरा जो करने के लिए दुनिया में आए हैं वो पूरा होता है। वो जिस दिन होगा उस दिन ये सारी कहानी जो है पूरी हो जाएगी, पूरी स्टोरी पूरा हो जाएगा, ये बर्तल जो आधा है वो पूरा हो जाएगा। भारत एक्सप्रेस से बात करें, धन्यवाद। तो भारत एक्सप्रेस के CMD जो इस वक्त ये बता रहे थे कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं उनको सम्मानित करना इसलिए जरूरी होता है कि जिस संघर्ष से वो निकली हैं और जिस तरीके से एक क्षेत्र में जो इस समाज में अपनी पहचान बनाई है संघर्ष करके, लेकिन अगर सभी अपनी जिम्मेदारी, हर वर्ग अपनी जिम्मेदारी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाए, एक दूसरे को सम्मान दे, तो समाज में इस तरह के NGOs बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा कृपाल के साथ कुमल शर्मा।